का एक कमजोर मुख्यमंत्री और कैसा हो। 100 दिन तक जिसने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाया, 10 दिन तक जो विभागों का बंटवारा ना कर पाया, 4 बार के मुख्यमंत्री जो अपने आप को स्वयंभू टाइगर कहते हैं, मलाईदार विभागों के झगड़े के लिए मध्य प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया। सरकार गिराना, खरीद फरोख्त करना, जो धन सरकार गिराना और विधायकों को खरीदने में लगा उसकी वसूली कौन करे, इस पर विचार करना और झगड़ा करना, इंटरनल झगड़ा करना। मलाईदार विभाग जो लोग अपने आप को टाइगर कहते हैं, और मलाई तो बिल्ली खाती है, हमने मीडिया डोमेन में देखा मलाईदार विभागों का झगड़ा है, तो इसका मतलब है कि दो बिल्लियां मलाईदार विभागों के लिए मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में डाल रही है। बिना मंत्री के 4 महीने 1-1 हजार से ज्यादा फाइलें, 2-2 हजार फाइलें हर विभाग में पेंडिंग होना, क्या मध्य प्रदेश के विकास को बाधक नहीं करता है? ये सवाल जो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं जनता के सामने, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो इससे कमजोर एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपने मंत्रिमंडल का गठन करें, अपने विभाग बांटें। वो सारे विशेषाधिकार का गौण एक मुख्यमंत्री कैसे एक अच्छा सक्षम मुख्यमंत्री प्रदेश का हो सकता है, आज पूरे प्रदेश के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। कृषि ऋण माफी योजना, इसको लेकर मुख्यमंत्री बार बार सवाल उठा रहे हैं। कृषि ऋण माफी योजना कमलनाथ सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम था, सरकार किसानों की मदद करना चाहती थी, उनको सम्मान से जीना सिखाना चाहती थी, और उसको लेकर लगभग 25 लाख किसानों का ऋण माफ किया, और उस पर अगर पीछे के दरवाजे से बैठी हुई सरकार धक्का देकर कुर्सी हत्याई हुई सरकार प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, मुख्यमंत्री प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो मैं उनको चुनौती देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप जब चाहो, जिस मंच पे चाहो, टेलीविजन की डिबेट पे चाहो, आपके मंत्रालय में आकर माफी, आपके ऑफिस में जब आप समय दे तब, आपके घर पे तब आप समय दे तब, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेस पे, जहां मुख्यमंत्री की इच्छा हो, किसानों के ऋण माफी की योजना को लेकर तर्क संगत चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। जहां वो कहेंगे वहां मैं आऊंगा। किसानों का ऋण माफी की योजना को बंद करने के 100 बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक सरकार आप पीछे के रास्ते पे बैठे हो तो 2 लाख रुपया तक के ऋण माफ करना आपका दायित्व है, आपको करना चाहिए। एक किसान जिसने आज से वोट दिया और एक सरकार को चुनी कि मेरे 2 लाख रुपए के ऋण माफ होंगे, अब उससे आप बहाने बनाते हो, झूठ बोलते हो, इधर उधर की बातें करते हो। मैं मानता हूं कि ये उस किसान का मजाक है, उसके साथ अन्याय है, अत्याचार है, और अगर ये सरकार इस अत्याचार को बहाने बना के करती रही तो किसान देख रहा है। किसान एक, जब हम किसान ऋण माफी की बात चालू करते हैं तो इनका कृषि मंत्री उसको पाप बताता है। जब हम किसान ऋण माफी की योजना की बात करते हैं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो कहते हैं कि किसानों का ऋण माफी नहीं हुआ, कमलनाथ पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मैं चुनौती देता हूं कि मुकदमा दर्ज करो, प्रदेश का किसान आपको सबक सिखाएगा। फिर मुख्यमंत्री कहते हैं सिर्फ 6 हजार करोड़ रुपया माफ किया। ये पूरी सरकार को समझ ही नहीं आता है कि हम किसान ऋण माफी के बहाने कैसे बनाए। और एक मिस्टर विभीषण, जिन्होंने कहा था किसान ऋण माफ ना होंगे या माफी में देरी होगी तो मैं सड़क पे आऊंगा, आप किस तरीके से और कब सड़क पे आएंगे? 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ नहीं होंगे किसानों के। मैं मानता हूं कि ये सब बातें मध्य प्रदेश का किसान देख रहा है। आपको तो सिर्फ मलाईदार विभाग चाहिए। अब किसान ऋण माफी का मुद्दा मिस्टर विभीषण के लिए नहीं बचा, अब मलाईदार विभाग उनके लिए प्रमुख प्रायोरिटी हो गई है। मैं मानता हूं
कि क्या हुआ उन मुद्दों का जिसके लिए सरकार से और सम्मान के लिए सरकार को गिराया था। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक क्यों भूल गए उनको आप? हमारी सरकार थी, हमने चॉइस फिलिंग कराकर, पद नए क्रिएट कराकर अतिथि विद्वानों के लिए न्याय संगत व्यवस्था कर उनकी पूरा भरपाई हो, वापस वो काम पे लगे, ये व्यवस्था बना के दी थी। मेरा ही विभाग था, केवल आमंत्रण पत्र देना रह गए थे, आमंत्रण पत्र अतिथि विद्वानों के। चार महीने से ये सरकार वो नहीं कर पाई। मैं मानता हूं अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों के लिए भी ये एक अन्याय है, उनके साथ अत्याचार है। चार महीने पिछले जो गए अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान की तनख्वाह इस सरकार ने देनी ही चाहिए, साथ ही साथ उनको जितनी जल्दी हो आमंत्रण पत्र वापस वो काम पे लगे। अन्यथा जो मिस्टर विभीषण कहते थे कि मैं सड़क पे आऊंगा, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कब सड़क पे आएंगे वो। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें, सारी घटनाएं, इनके खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के कौन से, ये स्थिति स्पष्ट करती है। प्रदेश कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है, वो चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, आत्महत्याओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या अन्य वो परेशानियां जो आर्थिक आधार पर आती है। पूरा मध्य प्रदेश ग्रसित है और ये सरकार अधिकारियों के अनुसार चल रही है, अधिकारियों के हाथ में है। अकेले मुख्यमंत्री सिर्फ हाथ ऊंचा करके पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को ठप किए बैठे हैं। मैं मानता हूं कि इनका, जैसा मैंने कहा, खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग थे। सबका उद्देश्य प्रदेश की लूट का था, मलाईदार विभाग का था। कमलनाथ सरकार में यह संभव नहीं था। ईमानदार एक सरकार थी, विजन के साथ चलने वाली सरकार थी, हर वर्ग के लिए काम करने वाली सरकार थी। तो पीछे से धक्का देकर अपने अहम और अहंकार को प्रदर्शित करते हुए मध्य प्रदेश का भविष्य गर्त में डाल दिया। मैं मानता हूं कि जो करंट टॉपिक है विकास दुबे का, आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कल वाइड दी बयान दिया, एक प्राइवेट एजेंसी के गार्ड ने उसको पकड़ा, विकास दुबे को, सिलेंडर करने वो यहाँ आया था, पुलिस के पास गया और सरकार वाहवाही लेने में लुट गई कि हमने पकड़ा, हमने पकड़ा, हमने पकड़ा। गृह मंत्री के बयान आए, बीजेपी के नेताओं के बयान आए, बयान आए मुख्यमंत्री के, पर मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ डाकिये का काम किया। विकास दुबे का अपराध आज नहीं तो कल उसको तो मौत होनी ही थी, जघन्य था। पर इसके पीछे का राज क्या है? अगर गाड़ी नहीं पलटती तो क्या कई लोगों की कुर्सियां पलट जाती, उत्तर प्रदेश सरकार पलट जाती? मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से उसने अपने आप को यहाँ सुरक्षित करके उज्जैन में आत्मसमर्पण करने की व्यवस्था बनाई, क्या उसके पीछे के कोई राज थे? ये सब बातें उसकी मौत के साथ एक तरह से दफन हो गई है, जो सवाल खड़े करती है। मैं फिर कहता हूं कि जो पुलिस परिवार के लोगों की हत्या इस जघन्य अपराधी ने की थी, उसकी सजा तो मौत ही थी। पर मैं मानता हूं कि ये आशंका सिर्फ मीडिया को नहीं है। कल मीडिया ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे, दबाव बनाया था पूरे देश की मीडिया ने, वही कारण था कि ये परिस्थिति निर्मित हुई। मैं फिर से आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर हैं। पूरे अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश अपनी राजधानी बन गई है, शरण स्थली बन गई है। यहाँ 15 महीने माफिया के खिलाफ जो राज चला और उसके बाद शिवराज का फिर से राज आया, जिसमें 21,000 घोषणाएं अधूरी थी और कानून व्यवस्था लचर थी, किसानों को गोलियां मारी जाती थी और किसान के बच्चों पर जिस तरीके से मुकदमे लगाए जाते थे, वो सरकार फिर से आई, अपराधियों को लग गया। मैं मानता हूं कि ये सारा जो घटनाक्रम है, व्यवस्था है, जनता देख रही है। पर प्रश्न ये है कि बजट आने वाला है, 10 दिन बाद मध्य प्रदेश सदन में बजट आएगा, वित्त मंत्री नहीं है, कौन बजट बना रहा है, कैसे बजट बन रहा है, मध्य प्रदेश के आर्थिक आय व्यय को किस तरीके से साल भर तक
हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मौन है, अक्षम है, कमजोर है। 10 दिन में जिस तरीके से बजट आएगी उसका पूरा दामोदर मार पॉलिटिकल लोगों पे नहीं है, जनता के प्रतिनिधियों पे नहीं है, सिर्फ अधिकारियों पे, राजतंत्र पे। मैं मानता हूं ये मध्य प्रदेश के साथ घोर अन्याय है। पिछले 4 महीने से एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह साबित हुए, अद्भुत कमजोर मुख्यमंत्री, जो खुद अपने विभागों का बंटवारा नहीं कर सके, जो खुद अपना मंत्रिमंडल नहीं बना सके, गृह मंत्री के पास ढोक देने के लिए, उनको मनाने के लिए उनको जाना पड़े, ऐसा मुख्यमंत्री कैसे प्रदेश चला सकता है। मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी, आप शिवराज सिंह जी किसान मुक्त ऋण माफी 2 लाख रुपए तक की आप करो, अन्यथा आप इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री जी आपके विभागों का बंटवारा जल्दी से करो, आज ही करो, अन्यथा आप इस्तीफा दो। अतिथि विद्वानों के लिए आप नियमितीकरण और उनका आमंत्रण पत्र आज ही दो, अन्यथा आप इस्तीफा दो। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की सही करो, अन्यथा आप इस्तीफा दो। अधिकारी राज पर लगाम लगाओ, अन्यथा आप इस्तीफा दो। और आउटसोर्स की सरकार बंद करो और एक जनतंत्र की, लोकतंत्र की सरकार जैसा काम करो, अन्यथा आप इस्तीफा दो। मैं सारे घटनाक्रम के बाद 24 चुनाव मध्य प्रदेश फिर कमलनाथ आ रहे हैं और शिवराज जा रहे हैं। जनता ने हर विधानसभा के हम घूमे हैं, बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है, फीडबैक लिया है। 24 की 24 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। पूरा 4 महीने का कार्यकाल लूट और खसोट और विभागों में मलाईदार विभागों के झगड़े का रहा और ये प्रदेश की जनता ने देखा है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा के सीटों के मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है कि फिर से कमलनाथ को लाना और शिवराज को भगाना है। मैं मानता हूं कि या तो शिवराज अभी इस्तीफा दे तो उनकी इज्जत बचेगी, सम्मान बचेगा, अन्यथा 24 चुनाव के बाद तो उनको जाना ही है, हर हालत में जाना है। मैं सारे घटनाक्रम के साथ बीजेपी के मैं मानता हूं कि इन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उस पर इस सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, अतिथि विद्वानों का को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग। अब पूछ लो आप जो थे पब्लिक डोमेन में, किन को बचा रहे हैं वो बात हो गई है, ये और प्रेस ब्रीफिंग इसकी हो जाएगी। हमने जो हमारा स्टैंड था मैंने स्पष्ट कर दिया। ये तो जरूर है कि जितने अपराध था वो जिस तरीके से 8-8 पुलिस के परिवार के लोगों की उन्होंने शहादत ली या जान ली, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं था। आज नहीं कल उनकी मौत होनी थी, पर गाड़ी पलटी, जीप पलटी, अगर ये नहीं पलटती तो कई नेताओं की कुर्सी पलट जाती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसके विकास दुबे के जो फोटो पब्लिक डोमेन में आए हैं, इसका मतलब है वो मध्य प्रदेश के भी और उत्तर प्रदेश के भी, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो राज है। इन सब बातों पर जांच होनी ही चाहिए। सर, उस चुनाव को लेकर आप दावा कर रहे हैं कि सरकार वापस आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, आप स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से ग्वालियर चंबल में कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रहे हैं, चुनाव बढ़ाने की कोई साजिश कहीं लगती है क्या, इस तरीके की संभावना आपको लगती है? मैं मानता हूं कि हम चुनाव, अगर चुनाव आयोग आज कराने की घोषणा करे, कांग्रेस पार्टी तैयार है। हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ये आभास रखती है कि जिस दिन चुनाव होंगे शिवराज जी चले जाएंगे, यही कारण है कि चुनाव डिले कराना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जितनी जल्दी चुनाव हो, चुनाव आयोग का अपना विशेषाधिकार होता है, पर कांग्रेस पार्टी तैयार भी है और मांग भी करती है जल्दी चुनाव करा। मुख्यमंत्री कमलनाथ फिर आएंगे और शिवराज उसके बाद जाएंगे। शिवराज जी 16 सीटें जो है क्या माहौल अभी फिलहाल ग्वालियर में? मैंने जैसा कहा, हमारी माइक्रो लेवल पर जैसा हमारी पार्टी का निर्णय था कोविड को लेकर सरकार के साथ खड़े होना, जनता की सेवा करना, हमने पहली प्राथमिकता उसको दी। किसानों के हितों की रक्षा करना पहली प्राथमिकता उसको दी।
पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से प्रदेश के हितों की रक्षा का कोई या प्रदेश के हितों की कोई चिंता ही नहीं है, सिर्फ चुनाव में कैंपेनिंग में और मैनेजमेंट में जाना है। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 4 महीने से कर क्या रहे हैं, मैं कुर्सी पे बना रहा हूँ, इसके अलावा कोई काम ऐसा जो प्रदेश का हित का हो, एक निर्णय लिया हो तो बताओ। तो मैं मानता हूँ कि 24 चुनाव की हमारी जो स्ट्रेटेजी के पार्ट पे हमने जनता से फीडबैक लिया, 24 के 24 चुनाव कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ फिर आएंगे और शिवराज जाएंगे। मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल कर रहे हैं आजकल रोज, बिल्कुल पब्लिक डोमेन। कमलनाथ जी ने कल 4 सवाल मुख्यमंत्री जी से किए थे, वो फिर से कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है कि आप आरोप प्रत्यारोप की शिवराज सिंह जी राजनीति बंद करो, आप अब सरकार में हो, ये सरकार की पिछली योजना अधूरी है, हमने 25 लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए 2 चरण में, तीसरा चरण 7 लाख किसानों के कर्ज माफी का चालू था, उसको बंद क्यों किया और चालू कब करो, और उसके बाद 2 लाख रुपए तक का एक और चरण, तीसरा चरण वो कब चालू करो। 2008 में आपने 50,000 के ऋण माफी की बात की किसानों का, वो कब दोगे, 15 साल, 2008 से आज 15 साल होने को आ गए, और मुख्यमंत्री के तौर पर 21,000 घोषणाएं आपकी पिछली अधूरी है, उनको पूरी कब करोगे शिवराज सिंह चौहान, ये भी बताओ। ठीक हो गया सर। अरे मैंने इस किसान कर्ज माफी और किसी भी डोमेन पे हो, चाहे सदन हो, चाहे मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, चाहे उनका घर हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, चाहे मीडिया हो, मैं चुनौती देता हूँ शिवराज सिंह चौहान को, वो जब चाहे, जब हम आपस में कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं, वो जहाँ कहेंगे वहाँ हम आने को तैयार है, पर 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करे, ये हमारी मांग है। सरकार को असंवैधानिक भी बता रही है कांग्रेस की, असंवैधानिक सरकार है, मंत्री पद ज्यादा बांट रही है, सदस्य कम है। बिल्कुल सही है कि 15% सदस्यों के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, ये लालची और लोभी सरकार अपने मैनेजमेंट के लिए उससे ज्यादा संविधान को ठेंगा बता के मंत्री बना चुके हैं। जितनी जल्दी हो ये सदन में भी हम बात उठाएंगे, राज्यपाल से भी मांग करेंगे और इसका कोर्ट में भी जाने की व्यवस्था बनाएंगे कि 15% से ज्यादा आप कैसे मंत्रिमंडल का सदस्यों से आधार पर गठन कर सकते हो। इसका मतलब है कि इस मुख्यमंत्री को, इस सरकार को प्रदेश के हितों और संविधान से कोई आस्था नहीं है, सिर्फ अपने चुनावी मैनेजमेंट से मतलब है, ये घोर अन्याय है।